हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम कर रहे थे उसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके अंदर तीन क्वेश्चंस गिवन है। तीनों क्वेश्चंस में क्या करना है हमारे को, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 5-5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं मीन मेथड से आप लोगों के लिए सोल्व करने वाला हूं और बाकी के दोनों क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन दोनों क्वेश्चंस को सेकंड को और थर्ड को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर से सोल्व करेंगे। आप खुद क्या करना, नंबर ऑफ मतलब मीन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करना इसको। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स की हेल्प से मैं यहां पर इन दोनों को आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, मीन मेथड क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है जो लेक्चर नंबर 3 आप वहां जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको नवोदय बैच मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियोज है पहले उनको देखिए, जिससे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर भी अगर नहीं आता तो फिर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमारे को 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मीन मेथड क्या करता है, मीन मेथड में हम क्या सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं कि दोनों नंबर्स का मीन ले लेंगे, जो भी मीन आएगा वो उन दोनों के बीचों बीच लाई करेगा। मीन कैसे लेते हैं, दोनों नंबर्स को सम करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस वो कितना आएगा, 2/3 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2। तो देखो यहां पे क्या होगा, ऊपर एलसीएम लोगे तो 15 आएगा और जब इसका 15 में 3 से डिवाइड करोगे 5 टाइम होगा, ये वाला नीचे वाला 2 ऐसे कैसे चल रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया था, प्लस इस 15 में 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो ऊपर बन गया 22 डिवाइड बाय 15 और नीचे इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो यहां लिख देता हूं मैं 22 डिवाइड बाय 15 को डिवाइड करना है 2 और इसके नीचे 1 लगा लो। और डिवाइड करने का भी मैंने अलग से एक लेक्चर बना रखा है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो इससे ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आया, 11/15। तो हमने एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया इन दोनों के बीच में। अब ये एक्चुअल में 11/15 क्या करेगा, ये 2/3 से तो बड़ा होगा और 4/5 से छोटा होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो मैं एक बार वापस से देखो बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों का ऐड करके 2 का डिवाइड किया, ऐड कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, फिर इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, दोनों को ऊपर सम करेंगे तो 22/15 आ गया। फिर ये 2 इधर ये डिवाइड में रखा हुआ है, इसको मैंने ऐसा डिवाइड बना दिया और डिवाइड यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लगा दिया। अब डिवाइड को कैसे सोल्व किया जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, फर्दर आगे 2 से ये डिवाइड हो गया 11 टाइम और आगे कितना आ गया, 11/15। अब हमारे पास 11/15 आया, वो इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, क्योंकि मीन हमेशा बीचों बीच की कोई वैल्यू आती है, ठीक है, ध्यान रखना इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। मैं एक बार बता देता हूँ, हाँ ये एक्चुअल में 0.8 होता है, ये 0.66 होता है, सही है, इससे बड़ा होगा। हो सकता है ये बड़ा हो, ये छोटा हो और ये बड़ा हो, तो ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, लेकिन अभी यही छोटा है और ये बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ये सही। अब सेकंड किसके बीच में फाइंड करें, सेकंड इनके बीच में फाइंड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सेकंड फाइंड करके बता रहा हूँ, बाकी के खुद करने हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में हमें करना है क्या। तो सेकंड रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, वो भी तो इन दोनों के बीच में होगा। तो सेकेंड रेशनल नंबर कितना होगा, इन दोनों का सम करो 11/15 डिवाइड बाई 2। तो पहले ऊपर एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा, इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर लास्ट में इस वाले 2 को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, 15 में क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। तो कितना बन गया, इसके नीचे 1 लगा लो, 21/15 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। आगे फर्दर सोल्व नहीं हो रहा तो 21/30, ठीक है। तो देखो हाँ सॉरी, ये भी हो रहा है सोल्व, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3 से 7 टाइम या 10 टाइम, यानी कितना आया 7/10। अब ये 7/10 किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में, तो यानी बोल सकते हैं 2/3 से तो बड़ा होगा 7/10, 11/15 से छोटा होगा। ऐसे ही आप थर्ड रेशनल नंबर किसके बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो भी मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को निकाल के बता देता हूँ थर्ड रेशनल नंबर, फिर इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ लिख दूंगा यहाँ पे।
थर्ड रैशनल नंबर किसके बीच में निकाल लेते हैं, इसके बीच में, 11 अपॉन 15 प्लस 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ क्या होगा, 11 अपॉन 15 इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसको डिवाइड करना है लास्ट में 2 से, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको। तो देखो इस 15 में 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, प्लस इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। अब ऊपर कितना हो गया देखो, 23 डिवाइड बाई 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, भाई इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले का रेसिपी को ले लेंगे। तो अब देखो कुछ भी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है, डिवाइड वगैरह नहीं हो रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, 23 डिवाइड बाई 30। अब ये जो 23 डिवाइड बाई 30 है, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब ये इससे बड़ा होगा और ये इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने देखो तीन रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए, कौन कौन से, ये। अब दो और फाइंड करने हैं, आप चाहो तो इन दोनों के बीच में एक फाइंड कर सकते हो, इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हो, सेम इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में भी कर सकते हो, तो जो भी आपके मर्जी हो, जिसके हिसाब से भी आपको करना है, तो बाकी के तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब ये मेथड जनरली क्या होता है, लेंथी मेथड होता है, तो अगर आप लोगों को कभी पेपर में आएगा भी ना, तो मैक्सिमम क्या पूछेगा, वो तीन ही नंबर्स पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए तीन कर दिया, बाकी के तो आप खुद फाइंड कीजिए। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स वाले मेथड से सोल्व करके बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट सोल्व करने का क्या तरीका है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करो, इक्वल बना लो। तो मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाता हूँ, इसको भी 6 बना देता हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया -9/6, और इसको भी 6 बना देता हूँ। तो 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 10 हो गया और इधर 6 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, -8/6, -7/6, --, -9/6, फिर 0/6, फिर 1/6, फिर 2/6, --, 9/6, ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो किसके बीच में लाई कर रहे होंगे, इसके बीच में लाई कर रहे होंगे। कोई भी 5 आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इन दोनों के बीच में हमारे को फाइंड करना है, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है उनको इक्वल कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसके डिनोमिनेटर को भी क्या बना देता हूँ, 8 बना देता हूँ, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को भी 8 बना देता हूँ। 8 नहीं बना के काम करते, 20 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, 20 अगर बन पा रहा है तो, जिससे कि ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से, तो ये बन गया 5/20, और इसको 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये बन गया 10/20। अब देखो इन दोनों के बीच में हमारे को कितने फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने हैं। तो एक क्या होगा 6/20, एक 7/20, एक 8/20 और एक 9/20। अब देखो 10/20 तो खुद ही हो गया, तो हम 4 ही फाइंड कर पा रहे हैं। तो एक काम करो इसको 40 बना लो, तो 40 बनाने के लिए हमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10/5/20 को क्या कर सकते हैं, 10/40 भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10/20 को क्या लिख सकते हैं, 20/40 लिख सकते हैं इसको। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, 11/40, 12/40, 13/40, --, 19/40। तो आप चाहो उतने निकाल सकते हो, जितना भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।